आज हम बात करेंगे टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे अगस्त 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है ओप्पो के A11। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 782G प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 80 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 26,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 अगस्त 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है Honor X50। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 108+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5800 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 35 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 16 अगस्त 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है मोटोरोला H5G। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.6 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये सभी को पावर देगा MediaTek MSZT 1050। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+13+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 30 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 अगस्त 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Vivo V27e। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.62 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा MediaTek Helio G99। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 64+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4600 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 66 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 27 अगस्त 2023। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है Xiaomi Redmi 12। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड V13। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.79 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा MediaTek Helio G88। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 18 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 11,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 1 अगस्त 2023। तो दोस्तों ये टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।